विजय सिंह खटान मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट देते हैं। का आग्रह किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ। दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय। शहीद फतेह सिंह कडोपा की माताजी श्रीमती बैजयंती बाई, पदक प्राप्त करेंगी शहीद लक्ष्मण पूर्ति की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना पूर्ति। श्री अमित कुमार कौशिक सहायक कमांडेंट, उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह, सिपाही संजय चहल, श्री ब्रजेश प्रताप सिंह, बतौर मुख्य अतिथि नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो ना मानो सत्य है तुम स्वयं में।
अब कुछ नहीं आएगा, पीछे देखो ना। सीआरपीएफ दिवस परेड और परेड में शामिल शुक्रिया। मित्रों, भारत सरकार ने एक निर्णय अभी अभी किया है कि सभी सीएपीएफ उसका वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीएपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। आज जब सीआरपीएफ का स्थापना दिन है, हम हॉट स्प्रिंग को कैसे भूल सकते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को चीनियों ने जब हमला किया, सीआरपीएफ के कुछ जवान मामूली से शस्त्र बल के साथ अनुपात में बहुत कम संख्या के साथ भीड़ गए और देश की एक एक इंच जमीन के लिए वीरता से लड़कर अपने प्राणों का बलिदान दिया और पूरा देश आज वो घटना को नहीं भूल सकता। और इसीलिए 21 अक्टूबर को पूरे देश के सभी पुलिस बल पुलिस दिवस के रूप में मनाकर हॉट स्प्रिंग पर सीआरपीएफ के जवानों ने जो वीरता और बलिदान का जज्बा दिखाया, इससे प्रेरणा लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं। मित्रों, मैं सीआरपीएफ पर हमेशा गर्व करता हूं, पूरा देश गर्व करता है। आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन है। ये 3,25,000 जवानों का समूह आज के दिन देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को पुनः समर्पित करें और सीआरपीएफ का जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है, इसको आगे और तेजस्विता के साथ बढ़ाने का हम सब संकल्प करें। यही आप सबसे अपेक्षा भी है और यही आप सबसे अभ्यर्थना भी है। मित्रों, फिर से एक बार 2340 जवान जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।